वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत बढ़िया हो गया, बहुत मस्त हो गया। तो भाई अब काफ़ी ठीक हो चुका हूँ मैं। जो मैंने कम्युनिटी डाली थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, अब काफ़ी ठीक हो चुका हूँ, सही है। अब ब्लॉग बहुत टाइम बाद आ रहा है और ये ब्लॉग थोड़ा मेरे लिए तो बहुत बढ़िया होने वाला है, आपके लिए भी बहुत बढ़िया होने वाला है, ताकि जिसको टैटू वगैरह का शौक हो उसके लिए। मम्मी को अभी नहीं पता ना पापा को पता कि मैं टैटू बनवाने जा रहा हूँ, अपने यहाँ पर बनवाऊँगा टैटू। बाकी चलते हैं, दिखाता हूँ आपको, अभी मम्मी से मिलवाता हूँ, खाना पीना बना रही है मम्मी। तो बस पहले जाता हूँ, जरा एक दोस्त है वह, उससे ज़रा ट्राई पूछता हूँ कि कौन सी दुकान सही रहेगी, क्योंकि उसने वीडियो बना रखी है वहाँ की। तो उसके पास चलता हूँ, उसके पास पूछता हूँ कौन सी दुकान बढ़िया रहेगी, कौन सी मस्त रहेगी, और आयुष जाएगा मेरे साथ। तो बस खाना पीना हमारा हो चुका, बस थोड़ी देर में निकलते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको कौन सी शॉप पर जा रहा हूँ, कितने रुपये का मेरा टैटू बना, सब दिखाऊँगा आपको। पहले चलते हैं मम्मी के पास। तो ये रही अपने किचन, यहाँ बन रहा खाना, गोभी के पराठे। तो अब जल्दी से निकलते हैं, पहले आयुष के घर चलते हैं, आयुष को उठाते हैं। आयुष को उठाने के बाद फिर चलते हैं अपनी लोकेशन पर जहाँ हमें जाना है। तो बस जल्दी जल्दी चलो और जल्दी जल्दी आते हैं, फिर वहाँ से टाइम तो लगने कम से कम 2-3 घंटे तो मान के चलो। तो बस निकलते हैं, निकल के आपको बाइक पर मिलते हैं। पर तुम सुनना भाई हमारी बात। तो भाई ये रहा स्टूडियो, यहाँ पहुँच चुका हूँ मैं, रात हो गई है क्योंकि निकल तो दोपहर को रहा था मैं, बट ट्यूशन का टाइम हो गया, फिर स्कूल ट्यूशन जाना था, तो मैंने कहा आराम से चलेंगे 6-7 बजे करीब, तो 6:30 हो रहे हैं टाइम का। तो भाई अभी तो काफ़ी टाइम लग रहा है, अंदर काफ़ी बंदे हैं, हम ऐसे बाहर चले हैं, तो अभी देखते हैं कितना टाइम और लगता है। वो हमें आधा घंटा तो हो चुका है, अभी काफ़ी बंदे हैं अंदर, मेरे से पहले भी नंबर लगे हुए थे, मेरे बाद भी नंबर लगे हुए हैं। तो बस और देखते हैं क्या होता है, कब तक होता है। यहाँ बनवाने की सोच रहा हूँ, या तो राव का नाम का बनवाऊँगा या मम्मी पापा के लिए मापा, ऐसा कुछ बनवाऊँगा। तो भाई चलते हैं अंदर स्टूडियो के, बहुत टाइम लग गया फ्री होने में। भाई स्टूडियो के अंदर आ चुके हैं, सामने भैया बैठे हैं और आर्ट देख सकते हो आप। तो सामने भैया बैठे हैं और भैया की टीम है ये, तो ये सब कुछ आर्ट वगैरह बने हुए हैं। तो एक भैया यहाँ पे टैटू बनवा ही रहे हैं, आपको दिखाता हूँ, भैया का टैटू। भैया कैसा लगा आपको टैटू बनवा के, और कैसे आपको सही लगा, बढ़िया लगा? काफ़ी देखो आप फिनिशिंग भी है इसमें। और ये अपने संजू भैया, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया। मन बना रहा है कि बाद जब तक थोड़ा सिनेमैटिक आप देखो। पर तुम सुनना भाई हमारी बात, ओए ओए ओ चुरा के दिल तेरा, हम दूर भागे तेरे बिना, गाए हम से नाराज रहना, सजाए हम तेरी बरात है ना, सवेर दिन रात ना पाए चैना, सुन न मानिए मन न माने, मिली जो ये जो वाइज। मैं टैटू तो देख लिया, जैसे माँ पापा को रिलेटेड अभी आपको दिखाया, ये वाले टैटू था। सो कराते आते हैं, मेरा ग्राफिक वगैरह निकाल लें, तो मैं दिखाता हूँ आपको फिर सर। भाई एक बार आर्ट देखो कितने बढ़िया बढ़िया बने हुए हैं, ये सबसे बढ़िया लगा मुझे यहाँ का आर्ट, बाकी वो आप वगैरह देख सकते हो। सुन लेना तुम्हें चाह कर भी ना चाहे करे जो मन करना। भाई ये कुछ प्रिंट हो रहा है और गाइस ये आ चुके हैं निडिल। तो ये निडिल होती है सभी के वन टाइम यूज, इसका एक्सपायरी डेट दिखा देते हैं, जो भैया को अपने दिखा दिया 2026, लेकिन इसके बाद प्रोसेस होगा, इतनी बड़ी स्क्रीन लगती है, देख रहे हो आप। तो भाई ऐसा हो चुका है और ज़्यादातर मुझे भैया ही बता रहे हैं कि मुझसे ज़्यादा हो नहीं पा रहा। तो
करने वाले लोगों की ये इज्जत जैसे भाई ने आप भी लगा लिया, भाई के टैटू को डेढ़ महीने हो गए बट उसके बाद भी आज भी लगा लिया, आपको भी लगानी पड़ेगा ठीक है। वैसलीन वगैरह नहीं लगाओगे, सूखा रखोगे, ड्राइनेस आएगी, टैटू भी खराब होगा। और आने वाले 15 से 20 दिन तक आपको रोज वैसलीन लगानी है ठीक है, इतना प्रोसेस करना होगा। बाकी कोई भी डाउट होता है कॉल व्हाट्सएप कर लीजिए, पूछ सकते हैं ठीक है। और बाकी डेट वगैरह वो आप 45 डेज के बाद रिटेस्ट करा। तो भाई टैटू हो चुका है, फिनिशिंग देखो आप एक बार कितनी बढ़िया आई है, पास में रहिए, फिनिशिंग देखो आप एक बार कितनी बढ़िया आई है। और भैया हमारे ये है भैया फाइनली टैटू कंप्लीट हो चुका है और होपफुली आपको भी पसंद आ गया होगा। बाकी भाई और रिव्यूज वगैरह आपको दिखा देंगे। और भाई आप ही बताओ कैसा दर्द वगैरह हुआ, क्या हुआ? दर्द काफी हुआ भाई, कई जगह थोड़ा भी नहीं, और सुन हो गया एक बार हाथ तो फिर बनाते रहो बनाते रहो, काफी फिर भी दबाने में पेन हो रहा, ब्लडिंग वगैरह नहीं हुई। बाकी ऐसा रहता है कि फर्स्ट टैटू है तो उसमें थोड़ा पेनफुल ज्यादा रहता है, बाकी आप लोग एंजॉय कर सकते हो अगर आपको करना है। और मेहनत भैया की है जो भी है, यहाँ पूरा स्टूडियो भैया ही संभाल लिया। आप एक बार आओ इनके पास विजिट करो, बहुत बढ़िया टैटू है। अभी इनसे पहले भी जिनसे आपको मैंने बतवाया था तो उन्होंने कितना बढ़िया बताया और कितना फिनिशिंग थी उनके टैटू में भी। और भैया आप लोग सर के पास आगे, अरे भैया सर मत बोलो, मेरे भाई की तरह है। और भाई को प्लीज सब्सक्राइब करो आप लोग और सपोर्ट करो भाई को। और भाई का चैनल है संजू इंक्स ब्लॉग के नाम से, संजू इंक्स ब्लॉग, मुरादाबाद में किला पड़ता है, देन उसके पास में है। बाकी कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह आप भैया से दे सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा सब कुछ। वहां से निकल चुका हूँ, भाई बहुत प्यारे थे, भाई बहुत प्यारे थे बातचीत करने में भी। बाकी आप देख सकते हो ये आ गया प्रेम स्वीट्स और ये आ गया अकबर का किला सामने, बस इसके अंदर जाके है कि गली के अंदर आप किसे पूछ सकते हो, संजू टैटू वाले, संजू इंक टैटू वाले। तो बस आप जल्दी चलते हैं अकबर और ब्लॉग को करते हैं एंड। फिलहाल एक चीज बहुत बढ़िया लगी भैया की बातचीत करने में, बहुत मस्त थे, हंसी मजाक भी कर रहे थे। चलो फिलहाल जो भी आप चलते हैं घर, करते हैं ब्लॉग को एंड। हाँ तो भाई मम्मी को दिखा दिया था मैंने टैटू, अब आज नेक्स्ट दिन है तो अब आती हूँ मम्मी, जरा मम्मी को बुलाता हूँ फिर मम्मी के लेता हूँ रिएक्शन, आप खुद बताता हूँ उनको कैसा लगा। तो बस बुलाते हैं मम्मी को और पूछवाते हैं। और आप लोग भी बता दो आपको कैसा लगा टैटू। फिलहाल पेन तो अभी भी बहुत हो रहा है, वो सिल्वर एक्स की ट्यूब मंगवाई थी, अब लेने जा रहा हूँ मैं। आप एक बार कमेंट करके बता दो कि कैसा लगा और वीडियो कैसी लगी आपको, प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में लोगों के सामने, और भी बहुत तरीके से बहुत मेहनत लगती है कि हाँ इतनी उससे बनाए फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे। तो जल्दी जाओ लाइक करो, तब तक मम्मी की आपको रिएक्शन पूछवाता हूँ उनको कैसा लगा। तो भाई मम्मी आ चुके हैं, मम्मी आए हो तो भाई ये रहा टैटू। मम्मी एक बार ज़रा बता दो कैसा लग रहा है टैटू? बहुत प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बट मैंने इसको मना किया था इसने जबरदस्ती लगवाया। वेल तो बिन बताया गया था मैं पहली बात तो, अब आके मैंने बताया घर पे, फिर अब ब्लॉग में शूट करा। बस ये ब्लॉग यहीं तक का था, इसको एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल बनाए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो।
जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, आपके कोई पैसे नहीं जा रहे, कोई कुछ नहीं जा रहा, जल्दी जाके लाल बटन दबाओ, खूब पिटाई करो। ऐसा होता है मेरे साथ मेरे घर में, आपके साथ भी होता है तो एक बार कमेंट में बताना। चलो ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, अच्छा लगा हो तो आपको बता ही दिया, मिलते हैं ऐसी बढ़िया से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो राधे राधे। सो द सॉन्ग इज आउट नाउ, अभी बहुत दिनों से बहुत दिनों बाद ये सॉन्ग आया हुआ है, तो एक्चुअली शोज वगैरह थे तो उस वजह से मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, बट अभी नेक्स्ट सॉन्ग के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं हम, तो आपको ये सॉन्ग कैसा लगता है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और आपके फेवरेट सॉन्ग्स भी रिक्वेस्ट कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।